भारती देवी जी को और पूरी समिति टीम को मैं अपनी तरफ से कहूंगी, आप लोगों ने हमें यहाँ पे जो है बड़ी श्रद्धा से सम्मान से यहाँ पे हमें बुलाए हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करती हूँ। और यहाँ पे जिस प्रकार से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं कामना करती हूँ भगवती माँ से कि आप बहुत तक पहुँचते हैं, फिर राज्य स्तर तक पहुँचते हैं। यही खिलाड़ी हमारे जो है आगे भविष्य के आधार है और यही जो है क्रिकेट या खेल में जो प्रतिभा अपना प्रदर्शन करते हैं, यही हमारी जो है शान है आप लोग। तो मैं पुनः जो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पूरी समिति को और यहाँ पे जितने भी भाई बंधु यहाँ पे हमारा ये मंच का संचालन कर रहे हैं। ये कमेंट अपने कोटे का पहला ओवर और पारी के लिए दूसरा ओवर लाते हुए मनीष काफी तेज गेंदबाज है मनीष पर पहली गेंद है। इसी बीच टीम का परफॉर्मेंस स्कोर 10 रन मनीष, काफी लंबा रन अप मनीष का, काफी अच्छी गेम हत्ती समझ नहीं पाए और आपने से ना खुश नाम है हत्ती लगाते हैं बड़े बड़े छक्के। तो मनीष समझ नहीं पाए और बोल कर दिया यहाँ पर मनीष ने हत्ती को, काफी अच्छे खब्बू बल्लेबाज है तेजपाल, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। आज देवलाट को उनकी काफी जरूरत, तो देखना होगा तेजपाल क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। कट किया, सम्मान दिया, एक रन लिया आराम से और जितेंद्र को पारी दी। जितेंद्र जाने जाते हैं लंबे लंबे छक्कों के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज है जितेंद्र, एक छक्का मार चुके हैं और देवलाट को पार और हाना हाना पार तालमेल बेहतरीन, एक रन आसानी से पूर्ण किया। इसी बीच टीम का परफॉर्मेंस स्कोर 12 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे मनीष चले धीरे धीरे कदम से कट किया यहाँ पर तेज पाल ने, एक रन आसानी से लेंगे वहां पर मिस्टे हाना हाना और दो रन आसानी से पूरा कर दिया। तो इसी बीच टीम का परफॉर्मेंस स्कोर 14 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे, काफी अच्छे बॉलर है मनीष भी अपनी टीम के लिए पत्रों की ओर से। मनीष कट किया यहाँ पर तेजपाल ने, एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा तेजपाल को। तो टीम का पड़ता है स्कोर 15 रन, दो ओवर की समाप्ति पे। तो इसी बीच श्रीमती प्रकीर्ण नेगी जी ने हमें यहाँ पर सहयोग किया है 500 रुपए का, तो बहुत बहुत आभार उनका। और श्रीमती मुन्नी धोनी जी ने भी हमें सहयोग राशि प्रदान की है 1100 रुपए, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पर काफी बढ़िया यहाँ पर विशाल उठा के मार दिया है, देखना होगा जब तक गेम फील्ड हो पाते कितने रन ले पाते हैं। और एम्पायर ने अपने हाथ खोल दिए 6 रन के लिए, तो तेजपाल जाने जाते हैं। हमने पहले भी कहा कि लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, टाइमिंग बेहतरीन, दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन वहां पर। टीम का पड़ता हुआ स्कोर 23 रन, तीसरा ओवर प्रगति पे और यहाँ पर अंपायर प्रभावित है, देखना होगा और उंगली उठा दिया पर तेजपाल ने आसानी से कैच दे दिया वहां पे राहुल, देखना होगा क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। तो इसी अतिरिक्त के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन, विशाल काफी खूंखार यहाँ पर, विशाल एक विकेट ले चुके हैं देवलाट की, समझ नहीं पा रहे हैं संतोष, जाने दिया यहाँ पर कीपर के ग्लव्जों में। पदगांव की टीम भी जानी जाती है अपनी बॉलिंग के लिए और फिर से वाइट रसा से यहाँ पर भटक चुके हैं विशाल, हालांकि विकेट जरूर लिया है विशाल ने।
बहुत उम्मीदें हैं यहाँ पर राहुल से, क्या कर पाते हैं राहुल। और हाना हाना आसानी से एक रन लिया, तो अभी भी यहाँ पर टीम का रुका हुआ स्कोर 26 रन। अभी भी देवलाड़ के धुरंधर बल्लेबाज जितेंद्र मैदान पे, बाएं हाथ के बल्लेबाज जितेंद्र सामना करेंगे विशाल का। फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, विशाल समझ नहीं पा रहे किस तरह से जितेंद्र को गेंदबाजी कराई जाए, क्योंकि लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं जितेंद्र। बाएं हाथ के बल्लेबाज जितेंद्र विशाल का सामना करते हुए उठा के मार दिया है। अभी भी अंपायर का निर्णय आना बाकी और छह रन। ये पहले भी कह चुका हूं, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, वही क्या जितेंद्र ने यहां पर उठा के मार दिया है। यहां पर जितेंद्र ने देखना होगा जब तक गेम खड़ा होगा कितने रन ले पाते हैं। दूसरा रन आसानी से पूरा किया, तीसरे की कॉल है यहां पर, झटका हो सकता है एक बार आसानी से यहां पर पूरा कर दिया। तो तीन रन यहां पर पूरे किए आखिरी गेंद पे। इसी बीच ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर 36 रन। अच्छी स्थिति में यहां पर देवलाल, हालांकि पतगांव की टीम भी काफी मजबूत। जितेंद्र सामना करेंगे बॉलर, अपना नाम बता दें अमन, अपने कोटे का दूसरा ओवर और सारे के लिए चौथा ओवर। समझ नहीं पाए जितेंद्र, अंदर को आई गेंद, स्विंग हुई यहां पर अंदर को आई और समझ नहीं पाए जितेंद्र। हालांकि काफी अनुभव है यहां पर जितेंद्र को, ये देखिए कट किया और यहां पर संतोष को पारी दी। दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज अभी क्रीज पर मौजूद। अमन धीरे धीरे कदमों को से अंपायर को पार करते हुए उठा के मार दिया है। खतरा हो सकता था पर वहां पर फील्डिंग अच्छे से हो नहीं पाई और एक रन आसानी से ले लिया। तो प्रभावित कर रहे हैं यहां पर अमन अपनी गेंदबाजी से, समझ नहीं पा रहे काफी कारण यहां पर प्राप्त हो रही है अमन को। मीडियम पेसर अमन सूझबूझ से गेंदबाजी कराते हैं, काफी लंबा रन अप उनका। देखना होगा जितेंद्र क्या कर पाते हैं इस गेंद पे, उठा के मार दिया है। देखना होगा जब तक गेंद खुल गया काफी अच्छे रन ले पाते हैं। दूसरा रन आसानी से पूरा कर दिया है जितेंद्र ने और अंपायर का इशारा नो रन और फ्री हिट। तो फ्री हिट यहाँ पर सोने पे सुहागा, यहाँ पर क्या कर पाते हैं, फायदा उठा पाते हैं या नहीं जितेंद्र देखना होगा। हालांकि अमन भी चतुराई से गेंद करा रहे हैं, समझ नहीं पाए और जितेंद्र ने टीम का पड़ता हुआ इसको 41 रन। दो विकेट के नुकसान पे अमन, फिर से व्हाइट बाजू खोलेंगे यहां पर अंपायर है अपनी। जितेंद्र सामना करते हैं अमन का, काफी लंबा रन है अमन का, समझ नहीं पाए बेहतरीन गेंद वहां पर बीट कर दिया यहां पर जितेंद्र को। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। राहुल बॉलर अपना नाम बता दें मनीष, अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी के लिए पांचवा ओवर लाते हुए मनीष सामना करेंगे राहुल। समझ नहीं पाए अच्छी गेंद थी वहां पर, तो जिसलिए जानी जाती है यहां पर पतगांव की टीम बॉलिंग के लिए वही कारनामा कर रहे हैं। पर यहां पर अभी भी अंपायर का निर्णय नो रोल, बातचीत करते हैं यहां पर मनीष अंपायर से। माहौल यहाँ पर अंपायर के द्वारा देखना होगा संतोष फायदा उठा पाते हैं या नहीं।
काट के आया होता और अगर छोड़ते तो मुझे लगता है व्हाइट होनी चाहिए थी, पर संतोष ने वहां पर गलती जरूर की। तो एक ही रन से यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा संतोष को, जिसमें जाने जाते हैं संतोष, वो कारनामा अभी तक किया नहीं है। देखने से उम्मीदें तो देवनाथ को है उनसे, पर वो कारनामा अभी तक कर नहीं पाए हैं। इसी बीच बेहतरीन गेंदबाज ने यहाँ पर मनीष के द्वारा पट गए की तरफ से मनीष काफी अच्छी गेंदबाजी कराते हुए हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाजी को। मनीष काफी लंबा रन अपन का, धीरे धीरे कमले से अंपायर को पार करते हुए मनीष रुठा के मार गया यहाँ पर संतोष ने। देखना होगा जब तक गेम खेल रहे थे कितने रन ले जाते हैं और आसानी से एक रन पूरा किया, तो इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। तो विकेट के नुकसान थे, जितेंद्र सामना करेंगे मनीष का, उठा के मार दिया जितेंद्र ने। देखना होगा जब तक गेम खेल रहे पाते कितने रन ले पाते और आसानी से दो रन पूरे किए जितेंद्र ने। इसी दो रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन। जितेंद्र ने देखना होगा जब तक गेम खेल रहे थे कितने रन ले पाते हैं। दूसरे की कॉल थी यहाँ पर जितेंद्र ने, पर मना किया यहाँ पर संतोष ने, खतरा हो सकता था वहां पर संतोष को, पर सूझबूझ से यहाँ पर मना किया संतोष ने जितेंद्र को। संतोष मनीष का सामना करते हुए संतोष अच्छी गेंद हो सकती थी, पहुंच हो सकता था, पर काफी दूर यहाँ पर किया और आसानी से एक रन पूरा किया, दो रन पूरे की। ओवर की समाप्ति, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन 5 ओवर की समाप्ति पे। जितेंद्र अभी भी टिके हुए हैं, उम्मीदें खासी है देवलाट को और कायम करते हुए उन उम्मीदों को, उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं जितेंद्र। बॉलर अपना नाम बता दे, पूरण, पूरण अपनी कोटे का पहला ओवर और पारी के लिए छोटा ओवर लाते हैं और पहली ही गेंद पर स्वागत किया यहाँ पर जितेंद्र ने छक्के के साथ। पूरण जाने जाते हैं बॉलिंग में, पर आज कारनामा कर नहीं पाए, तभी गेंद पर छक्का दे दिया जितेंद्र को और जीतों के लिए नहीं कारनामा किया जितेंद्र ने। कट गया यहाँ पर जितेंद्र ने